किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अफीम की फसल में दूसरा स्प्रे कौन से दवाई का करें। जैसा कि दोस्तों, अफीम में अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। दोस्तों, अभी किसान भाई लोगों ने पहला स्प्रे रेडोमिल का कर दिया होगा और पहले स्प्रे के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप वो वाला पहला स्प्रे का अफीम के बारे में वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं अफीम में दूसरे स्प्रे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले घंटी के निशान पर भी अवश्य बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा मास्टर की, टाटा मास्टर इसके अंदर होता है मेटल एग्जिट 8% प्लस मेनकोजेप 64% WP फॉर्म में होता है। यह सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दोनों का काम यह टाटा मास्टर करता है। यानी इसका मतलब होता है कि यह अगर आप फसल पर इसका प्रयोग करते हो तो यह तुरंत ही इसका असर दिखा देता है। दोस्तों, अगर आपकी फसल में कई पिलासपन आ रहे हो, कई पत्तों पर धब्बे हो रहे हो, तो यह पूरी तरह से एक फुफनी नाशक का काम करता है। तो एक बार आप टाटा मास्टर का उपयोग सेकंड बार स्प्रे में जरूर करें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सिजेंटा कंपनी के एक तरह के बारे में। दोस्तों, यह सभी प्रकार के मच्छर एवं कीड़े को यह पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन। दोस्तों, सिजेंटा कंपनी के इसाबियोन के अंदर एमिनो एसिड मौजूद होता है जो कि आपकी फसल में पिलासपन को दूर करेगा, अफीम की बढ़वार बढ़ाएगा और उसमें पत्तों में हरापन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाएगा, जिससे कि अफीम की ग्रोथ अच्छी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको टेगमाइसिन का प्रयोग भी करना है। इसके अंदर स्पिक्लोसाइक्लिन होती हैं जो कि आपकी फसल में एंटीबायोटिक का काम करती हैं। तो इसका अगर आप घोल बनाते हो तो अलग से इसका केवल सिंगल घोल इसका बनाना होता है और आप टंकी में इसके साथ में मिक्स कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन दवाओं का प्रयोग करते हो तो आपको पहले नंबर पर टाटा मास्टर का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको एक तारा मिलाने चाहिए घोल में, और तीसरे नंबर पर घोल में आपको सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन मिलाना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों का घोल मिलाकर साथ में टेगमाइसिन का घोल मिलाकर 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों, अगर डोज की बात करते हैं तो टाटा मास्टर का डोज है 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, एक तारा का डोज है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी और इसाबियोन का डोज है 50 ml प्रति 15 लीटर पानी और टेगमाइसिन का डोज है 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। इन सभी का आप उपयोग कर सकते हो। टेगमाइसिन का घोल अलग बनाना है और इन दवाइयों का घोल अलग बनाना है। ये इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल आप अफीम में दूसरे डोज के रूप में कर सकते हो। दोस्तों, अफीम में भी अगर आप समय समय पर दवाइयों का उपयोग करते रहते हो तो वह रोग मुक्त रहती हैं, तो आपकी अफीम की फसल में उत्पादन भी आप ज़्यादा निकाल सकते हो। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। क्योंकि कैसी जानकारी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय।